दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस तरीके से आप अपनी WhatsApp का बैकअप कैसे ले सकते हैं। दोस्तों कभी कभी क्या होता है, जब आप अपने मोबाइल फोन के अंदर WhatsApp का यूज करते हैं और दोस्तों अपनी गर्लफ्रेंड से चैटिंग करते होंगे, आपके दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट फोटो हैं वीडियो हैं वो दोस्तों धोखे से डिलीट हो जाते हैं, या आपका मोबाइल फोन गुम हो गया, ठीक है, या खराब हो गया, तो दोस्तों फिर आप प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ दोस्तों, उस ट्रिक की मदद से आप अपने डिलीट हुए फोटो या चैट, आपकी जितनी भी पुरानी इंपोर्टेंट वीडियो है, वो दोस्तों आप चुटकी में वापस मंगा सकते हैं सिर्फ एक ट्रिक की मदद से। दोस्तों चाहे आप अपने मोबाइल फोन के अंदर व्हाट्सएप का बहुत सालों से यूज कर रहे होंगे, ठीक है, लेकिन दोस्तों आपको इस ट्रिक के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होगा। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है, यदि आप अपने मोबाइल फोन के अंदर गर्लफ्रेंड से बात करते हैं या आपकी चैटिंग दोस्तों डिलीट हो चुकी है। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिस ट्रिक की मदद से आपके फोटो भी वापस आ जाएंगे और आप उनको गैलरी के अंदर सेव भी कर पाएंगे। दोस्तों वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है, तो उससे पहले आपको दोस्तों एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, ठीक है। दोस्तों आपको क्या काम करना है, वीडियो को तो लाइक कर देना है, ठीक है, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, एक प्यारा सा कमेंट भी दोस्तों जरूर कर देना है, ठीक है। दोस्तों चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ इस तरीके से आप अपनी जैसे गर्लफ्रेंड से बात करते हैं, ठीक है, उसके पास दोस्तों आप फोटो भेजते होंगे वीडियो भेजते होंगे, वो दोस्तों धोखे से डिलीट हो जाते हैं आपसे, ठीक है, या आपका जो व्हाट्सएप है वो अनइंस्टॉल हो जाता है। तो मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा दोस्तों, जब आप अपनी गर्लफ्रेंड से इस तरीके से यहाँ पर बात करेंगे ना दोस्तों, आपकी जितनी भी चैटिंग्स हैं वो दोस्तों आपकी बैकअप बनता रहेगा और आप दोस्तों उनको कभी भी, जैसे आपका मोबाइल फोन कहीं खो चुका है, ठीक है, आप दोस्तों उनको चुटकी में वापस मंगा सकते हैं। सिर्फ आपको अपनी व्हाट्सएप के अंदर एक ट्रिक अप्लाई करनी है और दोस्तों उस ट्रिक को अप्लाई करने के बाद आपका काम बन जाएगा। दोस्तों आप बेफिक्र होकर अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों कैसे करना है, अब ध्यान से समझना। दोस्तों आपको यहाँ पर 3 लाइन दिखेगी, इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है, सेटिंग पर आना है। सेटिंग पर आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा चैट्स का, ठीक है। दोस्तों जो मैं सेटिंग बताऊंगा ना वो बिल्कुल ध्यान से समझना है आपको, ठीक है, चैट्स पर आना है। चैट पर आने के बाद दोस्तों यहां पर आपके सामने एक ऑप्शन देखने को मिलेगा चैट बैकअप, ठीक है, अब आपको इसी पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब दोस्तों यहां पर आपके सामने फ्रीक्वेंसी दिखेगी, ठीक है। अब दोस्तों ये ना यहां पर नेवर पर सेट है, अब आपको क्या करना है वो ध्यान से समझना। दोस्तों जो आप अपने गर्लफ्रेंड के पास जितनी भी वीडियो भेजते होंगे, रोज चैटिंग करते होंगे, वो दोस्तों यदि आप चाहते हैं जितनी भी मेरी बात है रोज की, वो दोस्तों डेली मेरी ईमेल आईडी पर बैकअप बनती रहे, या जब भी मेरा मोबाइल फोन कहीं खो जाएगा तो मैं उनको चैटिंग को वापस मंगा सकता हूँ, वो बिल्कुल ध्यान से समझना है आपको दोस्तों, इस पर डेली पर सेट कर देना है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आपके सामने इंक्लूड वीडियोस, अब दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि आपकी जो इम्पोर्टेंट वीडियो है जो आपकी गर्लफ्रेंड ने आपके पास भेज रखी है, आपने उसके पास भेजी थी, ठीक है, आप चाहते हैं उन वीडियो को भी बैकअप में बनाना चाहते हैं ना, उनको वापस मंगाना चाहते हैं, तो आपको इनको भी इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों ऑन कर देना है। अब दोस्तों आप जिससे बात करेंगे अपनी गर्लफ्रेंड से, वो दोस्तों उस आपके पास वीडियो भेजेगी, ठीक है, वो भी दोस्तों आपके बैकअप में बनती रहेगी, उनको आप चुटकी में वापस मंगा लेंगे। दोस्तों आप चौंक जाओगे इस ट्रिक को देखकर, चाहे आप दोस्तों व्हाट्सएप का कई सालों से यूज करते आ रहे होंगे लेकिन आपको इस ट्रिक के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होगा, ठीक है। तो लाइक करना, सब्सक्राइब भी कर देना दोस्तों, बहुत ही मेहनत लगती है। अब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ, जो आप अपने मोबाइल फोन के अंदर दोस्तों ईमेल आईडी का यूज करते हैं ना, वो दोस्तों ईमेल आईडी आपको जरूर सिलेक्ट करनी पड़ेगी पहले, ठीक है, यहां पर आपको आना है। अब दोस्तों जिस भी ईमेल आईडी का आप यूज करते होंगे वो ईमेल आईडी आपको यहां पर सिलेक्ट कर देनी है, ठीक है। अब इस ईमेल आईडी को सिलेक्ट करने के बाद ही आपका बैकअप बनेगा, ठीक है। अब मैं आपको इसको रिस्टोर करके भी बताऊंगा कहां पर ये आपका जितना भी डाटा है ना कहां पर आपका सेव होता है, ठीक है, और दोस्तों आप किस तरीके से इसको रिस्टोर भी करेंगे वो जरूर देख कर जाना, लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर आपको क्या काम करना है, इसे बैकअप पर क्लिक कर देना है, ठीक है। अब दोस्तों जितना भी आपका डाटा है व्हाट्सएप के अंदर, ठीक है, वो दोस्तों यहां पर इस तरीके से आपकी मेल आईडी पर बन जाएगा, ठीक है। दोस्तों मेरा तो थोड़ा सा ही डाटा है तो मेरा तो दोस्तों यहाँ पर बनने वाला है 1.9 MB का। अब दोस्तों यदि आपका ज्यादा है, जैसे 1 GB है या 2 GB है, यदि आप किसी से ज्यादा बात करते हैं ना वो दोस्तों, फिर तो आपका ज्यादा टाइम भी लग सकता है, लेकिन मेरा तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर कमी है, यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हो, ठीक है, मेरा तो बिल्कुल कमी है यहाँ पर देखो, ठीक है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर ज्यादा टाइम भी लग सकता है यदि आपका ज्यादा होगा, ठीक है। अब दोस्तों आपका यहाँ पर काम इतना खत्म हो चुका है, अब मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से ये आपका बैकअप कहाँ पर बनता है, लेकिन आपको दोस्तों पता ही नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों आपको क्या काम करना है, आपके मोबाइल फोन के अंदर दोस्तों एक एप्लीकेशन होती है जिसका नाम होता है गूगल ड्राइव, ठीक है। अब दोस्तों इस एप्लीकेशन अंदर आना है, यहाँ पर दोस्तों अपनी वही मेल आईडी आपको सिलेक्ट करनी है जो आपने वहां पर व्हाट्सएप के अंदर सिलेक्ट की थी, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर 3 लाइन दिखेगी,
इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने बैकअप, ठीक है, बैकअप का ऑप्शन देखने को मिलेगा दोस्तों, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब देखो दोस्तों यहाँ पर आपका जितना भी आपने बैकअप बनाया है ना, लास्ट बैकअप 11:52 पर, दोस्तों अभी 11:52 हो रही है। अब दोस्तों यहाँ पर आपका जितना भी बैकअप है ना, वो आपकी गूगल ड्राइव पर दोस्तों सेव हो चुका है। अब दोस्तों जैसे आपका ये मोबाइल फोन है, किसी ने यह उठा लिया, या आपका मोबाइल फोन कहीं गुम हो चुका है या खराब हो चुका है, अब दोस्तों आप किस तरीके से इस डाटा को वापस मंगाएंगे, अब ध्यान से देखना है दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों जैसे ये मेरी कोई गर्लफ्रेंड है, ठीक है, अब दोस्तों जैसे आपकी भी कोई यहाँ पर गर्लफ्रेंड होगी, आप इससे बात करते होंगे, ठीक है, अब ये जितनी भी चैटिंग है ये डिलीट हो जाती है, वो तो उस फोन के अंदर चली गई। अब आपको कैसे वापस करनी है, बिल्कुल प्रूफ के साथ देखना। अब दोस्तों आपको क्या काम करना है, जैसे आपका कोई दोस्तों मोबाइल फोन के अंदर प्ले स्टोर होता है, ठीक है, प्ले स्टोर के अंदर आना है आपको यहाँ पर, ठीक है, प्ले स्टोर के अंदर आने के बाद दोस्तों जो आपके यहाँ पर व्हाट्सएप है ना, ठीक है, इस तरीके से इसको दोस्तों आपको क्या काम करना है, यहाँ पर अनइंस्टॉल कर देना है, ठीक है दोस्तों। बिल्कुल जैसे मैं बता रहा हूँ ना, इस तरीके से यदि आप करते हैं तो आप 100% आपकी जितनी भी चैटिंग है ना, वो दोस्तों चुटकी में वापस आ जाएगी। आप दोस्तों इस ट्रिक को देखकर चौंक जाओगे दोस्तों, किसी ने भी आज तक इस ट्रिक को यूट्यूब पर बताया नहीं है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हो व्हाट्सएप मैसेंजर, यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको इंस्टॉल होने में, तो दोस्तों आधा मिनट लग सकता है इसको इंस्टॉल होने में। तो आपको दोस्तों इस ट्रिक को यदि आप अप्लाई करेंगे ना दोस्तों, आप यदि व्हाट्सएप के अंदर गर्लफ्रेंड से बात करते हैं, ठीक है, या आप दोस्तों व्हाट्सएप को बिजनेस के लिए यूज करते हैं, आपके पास दोस्तों बहुत सारे फोटो आते होंगे, ठीक है, और दोस्तों आपके में फोटो वीडियो हैं वे तो दूसरे मोबाइल फोन के अंदर चले जाते हैं ना, तो इस ट्रिक को आपको सभी से जो मैं बता रहा हूँ वो यूज करना है, और सभी के पास इस ट्रिक को सेंड करना है, शेयर करना है इस ट्रिक को, ठीक है। अब दोस्तों जैसे आपकी व्हाट्सएप है, अब तो दोस्तों बिल्कुल नया फोन हो चुका है, और मैंने आपको करके भी दिखाया बिल्कुल, ठीक है, किस तरीके से आप व्हाट्सएप का बैकअप लेंगे, और बिल्कुल नई व्हाट्सएप है आपके सामने, मैंने अनइंस्टॉल की है। अब दोस्तों इसको आपको यहाँ पर इस तरीके से ओपन करना है, ओपन करने के बाद अब दोस्तों यहाँ पर आपको इस तरीके से नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको इस तरीके से आना है, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद दोस्तों जो भी आपका मोबाइल नंबर है यहाँ पर इस तरीके से आपको डाल देना है, ठीक है। डालने के बाद अब दोस्तों जो भी आपका यहाँ पर मोबाइल नंबर होगा उस पर आपका दोस्तों एक ओटीपी चला जाएगा। ओटीपी जाने के बाद दोस्तों जो भी आपके पास जितना भी बैकअप होगा ना, वो मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, बिल्कुल बेहतरीन ट्रिक होने वाली है। यदि आप एक दोस्तों व्हाट्सएप का यूज करते हैं ना दोस्तों, इस ट्रिक को जरूर देख कर जाना, आप भी चौंक जाओगे इस ट्रिक को देखकर। अब दोस्तों जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर वेरीफाई हो चुका है, अब आपको क्या काम करना है, इसको कंटिन्यू करना है, ठीक है। अब दोस्तों जो भी आपके यहाँ पर पिन है वो आपको यहाँ पर डाल देनी है। पिन डालने के बाद अब दोस्तों जो आपका वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो चुका है, अब दोस्तों इसको आपको यहाँ पर कंटिन्यू कर देना है। इस तरीके से कंटिन्यू करने के बाद अब दोस्तों यहाँ पर आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है दोस्तों, जो आपके सामने नीचे का ऑप्शन आ रहा है ना स्किप, यदि आप दोस्तों इसको स्किप कर देगा ना दोस्तों, फिर आपका बैकअप नहीं होगा, आपको ध्यान करना है, इसको स्किप नहीं करना है दोस्तों। अब आपको क्या काम करना है, रिस्टोर के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपका जितना भी बैकअप है ना दोस्तों, आपने जैसे मैंने आपको बताया था, आपकी जो ईमेल आईडी है उस पर बन जाएगा, और आपको दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है दोस्तों। ये मेरा जो वो है ना बैकअप दोस्तों, बिल्कुल एकदम से बन चुका है, यदि आपका बैकअप ज्यादा है ना तो ज्यादा टाइम भी लग सकता है। अब दोस्तों ये आपका बैकअप यहाँ पर बन चुका है, ठीक है। अब दोस्तों आप देख सकते हो बिल्कुल, मैं आपको बिल्कुल जितने भी चैटिंग है ना वो सभी दिखाने वाला हूँ, जैसे मैंने आपको शुरुआत में दिखाई थी, ठीक है। अब तो देखो दोस्तों आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हो, जितनी भी वीडियो हैं, जितनी मैंने बात कर रखी है, सभी आपके पास चैटिंग भी आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों। यदि आप इस ट्रिक को अपनी व्हाट्सएप के अंदर अप्लाई करेंगे तो बड़ी आसानी से आप डिलीट हुए फोटो वीडियो को, चैटिंग को चुटकी में वापस मंगा सकते हैं दोस्तों। आज की वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला, कुछ हेल्प हुई हो ना तो लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना, एक प्यारा सा कमेंट भी दोस्तों जरूर करके जाना, ठीक है दोस्तों। चलिए आपका दिन शुभ हो।